इसी तरह सव्वाल के छः रोज़े रखने का सवाब, सव्वाल के छः रोज़े रखना है मुस्तहब है, तो कोई चाहे तो उसको रख सकता है। और इसका जो है सवाब इस तरह से है कि अबू अय्यूब जेलहन इसके ताल्लुक़ से फरमाते हैं, सही अबू दाऊद की रिवायत है, अबू दाऊद हदीस नंबर 2433 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के 30 रोज़े और उसके बाद सव्वाल के 6 रोज़े रखे तो यह अमल पूरे साल रोज़े रखने के बराबर है। यानी कि 30 रोज़े रमज़ान के सुबह के 30 या 29 रोज़े उसने रमज़ान के रखे, उसके बाद में फिर वो 6 रोज़े अगर 6 रोज़े सव्वाल के रखता है तो फिर उसको पूरे साल का, यानी पूरे साल जैसे रोज़ा रखा उसका जो इस तरह का शुमार होता है। किस तरह से कि जैसे 30 इस्लाम में जो भी हम अमल करते हैं तो उसकी नेकी हमको 10 गुना मिलती है, तो 30 रोज़े आपने रखे तो 30 × 10 यानी कि आपका हो गया 10 महीने। और इसी तरह जो है आपने 6 रोज़े रखे तो 6 × ये आपके जो हो गया 6 × 10 यानी कि 2 माह, तो यानी पूरे साल रोज़े रखने का सवाब इस तरह से उसको होगा कि जैसे उसने पूरे साल उसने रोज़े रखे। तो इसको कैसे रख सकते हैं, इसको जो है कैसे रखा जा सकता है कि आप क्या पूरे 6 कंटिन्यूस रखें या इसको तोड़ तोड़ कर रखें, तो ये आप कैसे भी इसको रख सकते हैं। आप उसको पूरे 6 जो है कंटिन्यू लगातार भी रख सकते हैं या इसको तोड़ तोड़ कर भी रख सकते हैं। एक आज रख लिया, एक दिन छोड़ दिया, फिर रख लिया, या फिर एक आज रखा, एक जो आपने सप्ताह भर रखा, या फिर 2-3 दिन छोड़ कर फिर आपने रखा, तो इस तरह से इसको जो आप रख सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है आप अगर इसको ऐसे रखें क्योंकि हमने रमज़ान के रोज़े रखे, अब हमारी आदत में शुमार हो गया, तो हमको आदत उसकी हैबिट हो गई है, तो अभी हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ईद के बाद में एक या दो दिन के बाद हम इसको शुरू कर दें और कंटिन्यू 6 रख लें, तो इंशाल्लाह जो हमारी आदत जो इसमें आ चुकी है तो हमको जो है उसी तरह इसको हम इसको कर सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखें कि जिसके रोज़े कज़ा हो गए तो पहले वो कज़ा रोज़े रखेगा, क्योंकि पहले फ़र्ज़ पूरा करना ज़रूरी है, मुस्तवे नफल रोज़े हैं, लेकिन उससे पहले हमको कज़ा रोज़े उनकी कज़ा अदा करनी पड़ेगी, तो इनको कज़ा आप उसकी पहले पूरे कर लें, उसके बाद में फिर ये जो है आप इसमें रोज़े रखें। ऐसा नहीं हो सकता है, कई लोग पूछते हैं कि क्या दोनों पहले ये भी रख लें, दोनों नियत एक साथ की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। आपको है वो पहले जो कज़ा रोज़े आपके रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े उसको आप पूरा करेंगे, उसके बाद में फिर आपको ये 6 रोज़े आपको रखना है। इसकी एक और रिवायत मिलती है, सुबान रज़ी अल्लाह ये फरमाते हैं, इब्न बाज़ा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े जिसने रखे तो गोया कि वो रमज़ान के बाद में यानी 30 रोज़े ये और उसके बाद रखे तो वो पूरे साल रोज़े रखने जैसा उसका होगा। तो इसको आप जो है इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह नफल रोज़े के अंदर और अफजल वाले रोज़े जो मुस्तहब रोज़े हैं, नफल रोज़े हैं, तो वो भी जैसे योम अरफा का रोज़ा, यानी योम अरफा का रोज़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, इसकी भी जो है बड़ी फजीलत है। अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2325, ये नफल रोज़ा है कि अरफा के दिन का रोज़ा 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, और अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि ये रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, यानी 1 साल जो है पिछले और 1 साल आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसी तरह योम आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा, ये भी इसकी भी जो फजीलत आती है कि ये पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, यानी इसको मिटा देता है। तो ये जो है सव्वाल के रोज़े और ये नफल रोज़े हम इस तरह से इसको रख सकते हैं।